हेलो हेलो वेलकम गौतम भैया, जय जिनेन्द्र, जय बाबा की, जय जिनेन्द्र सर। हेलो, हाँ जय जिनेन्द्र सर, स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जय जिनेन्द्र सर, थोड़ा आवाज चेक कीजिए, आवाज बराबर ठीक आ रही है? आवाज चेक कर लीजिएगा, प्रॉपर आ रही है हमारी आवाज, आपको क्लियर सुनाई दे रहा है? मूलचंद जी बेताला, जय जिनेन्द्र सा, गौतम जी डागा, हमारे जैन महिला ग्रुप के ऑलराउंडर है संजय पटारिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सा, जय जिनेन्द्र सा। हाँ तो आवाज बराबर आ रही है ना? एक बार आवाज ओके है तो आप ओके लिखकर कमेंट में बताइए हमें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मूलचंद सा, हमारी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है? राकेश जैन जी, राष्ट्रीय जी डागा, स्वागत है आप सभी का, आवाज क्लियर है, धन्यवाद धन्यवाद। आवाज क्लियर है तो अब हम एकदम अच्छे से प्रस्तुत करने वाले हैं, आज की भक्ति अति शीघ्र ही प्रारंभ करने वाले हैं। बस बिल्कुल, जल्दी जल्दी सभी भक्त जुड़ जाइए, सभी जुड़ जाइए। सभी का सादर जय जिनेन्द्र है, सभी का स्वागत है, स्वागत है। और सभी से निवेदन है कि इस भक्ति को शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चांदनी जैन वेलकम, स्वागत है। चांदनी जैन बहुत अच्छी सिंगर है, चांदनी जी ऑलराउंडर है, बिल्कुल। चांदनी जी एंड पूनम जी दोनों ही बहनें, बहुत ही अच्छी गायिका है, बिल्कुल सही कहा आपने, बहने हो तो चांदनी और पूनम जी जैसी, बहुत बढ़िया। ओम शांति, बिल्कुल। तो देखिए आज जैन महिला ग्रुप की ओर से, जैन महिला ग्रुप भारत नेपाल द्वारा 15 दिवसीय ये स्वरांजलि कार्यक्रम भक्ति का आयोजन रखा गया है। हम सबकी चहेती जो सभी के दिलों में राज करने वाली और जो हमारी इस जैन महिला ग्रुप की एडमिन भी रही है, वैसी हमारी बहना वर्षा जी बेद को आज हम सभी मिलकर के भावांजलि देंगे। बिल्कुल गौतम जी डागा, आपने सही कहा, बहन हो तो वर्षा बेद जैसी। मैं तो कहता हूं कि मिल जाए वर्षा जैसी बहना, ये अरमान सभी का होता है। गौतम जी, मिल जाए वर्षा जैसी बहना, ये अरमान सभी का होता है, मगर खुश किस्मत होते हैं आप गौतम जी डागा,
खुश किस्मत है गौतम भैया आप जिन्हें वर्षा दी जैसी बहन नसीब होती है। बिल्कुल, और खुश नसीब है हम भी जिन्हें वर्षा जैसी बहन का साथ मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी जुड़ जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब 2 मिनट के पश्चात हम आज के हमारी इस भक्ति का आयोजन करेंगे। मोना जी नवलखा, यस मोना जी, हृदय से स्वागत है आपका। हमारे शकुंतला देवी जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जैन सिंगर जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल, हमारे इस ग्रुप की देखिए, हमारी ये जो जैन महिला ग्रुप है, इस जैन महिला ग्रुप को बहुत ही सक्षम टीम इसे चला रही है, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज जैन महिला ग्रुप अपने शिखर पर है। मतलब 27,000 फॉलोवर्स के साथ में, और बहुत ही कम समय में जैन महिला ग्रुप ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। इसमें सभी का साथ, सभी का सहयोग होता है, तभी ऐसी उपलब्धि हासिल की जाती है। तो हमारे जैन महिला ग्रुप की संरक्षक श्रीमती किरण जी डागा, श्रीमती किरण जी डागा, और हमारे एडमिन है, एडमिन है हमारे राजश्री जी, हाँ हाँ, हाँ संरक्षक है श्रीमती किरण जी डागा, एडमिन है राजश्री जी डागा, कुसुम जी बछावत, और संयोजिका है श्रीमती मोना जी नवलखा, श्रीमती ममता जी तुक्कड़, और प्रवक्ता है श्रीमती दिव्या जी मरोठी, साथ में सहयोगी है ममता जी नार और ऋचा जी डागा। आप सभी सशक्त महिला टीम के साथ से ही आज ये जैन महिला ग्रुप का डंका चारों ओर बज रहा है। जैन ग्रुप, जैन महिला ग्रुप का कहना है प्रभु भक्ति में डूब जाना है। जैन महिला ग्रुप का कहना है प्रभु भक्ति में डूब जाना है। स्वरांजलि के इस पखवाड़े में, स्वरांजलि के इस पखवाड़े में ग्रुप एडमिन वर्षा जी बेगत को भक्ति में श्रद्धांजलि देना है, भक्ति में श्रद्धांजलि देना है। आज हम सभी मिलकर के प्रभु भक्ति तो करेंगे ही, साथ में हमारी बहना वर्षा जी डाग, वर्षा जी बेद को भी हम उन्हें श्रद्धा, डागा ऐसा है कि वो डागा की बेटी है। बिल्कुल, लून करें जी डागा नौगांव निवासी, उनकी बेटी हमारी बहन, हम भी डागा है तो निश्चित रूप से वो हमारी बेटी है और हमारी बहन है। चलिए अब हम आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। सभी का खूब खूब स्वागत, अभिनंदन है। भक्ति की शुरुआत मंगलमय नमस्कार महामंत्र के एक गीत के द्वारा हम करना चाहेंगे। 14 पूर्वों का सार है मंत्र बड़ा बलवान, जिसके जपने से हो जाता है भव से पीड़ा पार। ऐसे नमस्कार महामंत्र पंच प्रेमिष्टि को हम सत सत वंदन करते हुए नमस्कार महामंत्र का एक गीत, और आज से आज की इस भक्ति को हम, पीयूष भैया स्वागत है भक्ति में, चंदा जी बेताला, रतन जी संचेती, मूलचंद जी बेताला, सब सभी का हृदय से, दिल के देवालय से आप सभी का स्वागत है। गौतम भैया आपके बदौलत हमें ये भक्ति का अवसर मिल रहा है, तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब नवकार मंत्र से हम आज की भक्ति का प्रारंभ करते हैं। हे दादीना, हे आदिनाथ दाता, कहाँ भी इतना आनंद नहीं जितना आपके शत्रुंजय धाम में है, और इतनी भक्ति कहीं भी नहीं जो नौकार मंत्र में है। तो चलिए नौकार मंत्र शकुंतला की आवाज में जप लो रे नवका, जप लो रे नवका, भव भव के सब कष्ट मिटेंगे होगा बेड़ा पार। आ
भव भव के सब कष्ट मिटेंगे, होगा बेड़ा पार जप लो रे नवकार, जप लो रे नवकार, भव भव के सब कष्ट मिटेंगे, होगा बेड़ा पार जप लो रे नवकार, जप लो रे नवकार। अरिहंताणम पद बोलो विष में अमृत घोलो, मंत्र की महिमा है बड़ी भारी, अंतर के पट खोलो, सुन अरे सुन गा प्रभु के गुण, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, जप लो रे नवकार, जप लो रे नवकार। सिद्धाणम पद बोलो मन के मैल को धोलो, त्याग तपस्या दान दया से कर्मों के बंधन तोड़ो, सुन अरे सुन गा प्रभु के गुण, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, जप लो रे नवकार, जप लो रे नवकार। आयरियाणम पद बोलो राग द्वेष को छोड़ो, गुरुवर के समता दर्शन से अपना जीवन तोलो, सुन अरे सुन गा प्रभु के गुण, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, जप लो रे नवकार, जप लो रे नवकार। उवध्यायाणम पद बोलो सबसे मीठे बोलो, क्रोध को छोड़ो मोह को त्यागो, हिंसा से मोह मोड़ो, सुन अरे सुन गा प्रभु के गुण, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, जप लो रे नवकार, जप लो रे नवकार। नमो लो ए सब साहुणम पद बोलो, सबको वंदन मेरा, इन चरणों में जो भी आया मिट जाए भव फेरा, सुन अरे सुन गा प्रभु के गुण, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, जप लो रे नवकार, जप लो रे नवकार। भव भव के सब कष्ट मिटेंगे, होगा बेड़ा पार। बोलिए पंच परमेष्ठियों की जय हो। पंच प्रेमिष्टि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात मोना जी नवलखा, प्रभा जी शुराना, हमारे बीच में हमारे दीपक जी झापक, पंकज जी बुरड, महेंद्र जी सोनावत, हमारे मूलचंद जी बेताला,
अजय जी बोथरा हमारे दोस्त, बचपन के दोस्त, संजय जी सेठिया, क्या बताए, संजय जी सेठिया बहुत ही जबरदस्त समाज सेवी है। बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला देवी जैन जी, आपका बीरी दे से स्वागत है। सभी का स्वागत है। इस भक्ति में सभी जो उत्साह वर्धन करने पहुंचे हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, मन को मोहित करने वाले मेहमान आए है, मन को मोहित करने वाले मेहमान आए है, राह को रंजित करने वाले रहमान आए हैं। खिली धरा खिला अंबर, खिली है दिशाए शारी, इस भक्ति में चार चांद लगाने, ऐसे हमारे भक्त पधारे हैं। भक्त पधारे हैं, तो ऐसे सभी भक्तों को वंदन करने के पश्चात आइए बढ़ते हैं प्रभु भक्ति के अगले चरण में। हे पार्श्वनाथ दादा, आपका नाम लेते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैं कितना भी मुश्किल में क्यों ना हूं दादा, आपके दर्शन करते ही मेरी जान में जान आती है। पार्श्वनाथ दादा के चरणों में एक भावभीनी वंदना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रभु पार्श्व तेरी महिमा, दुनिया से निराली है। प्रभु पार्श्व तेरी महिमा, दुनिया से निराली है। दुख हरने वाला तू, तेरी शोभा न्यारी है, तेरी शोभा न्यारी है। जलते हुए नागों को तुमने ही बचाया था, नवकार सुना उनको, भव पार लगाया था, भव पार लगाया था। अब पार मेरी नैया तुमको ही लगानी है। दुख हरने वाला तू, तेरी शोभा न्यारी है, तेरी शोभा न्यारी है। प्रभु का मटका है तुमने अभिमान घटाया था, दुखियों को तारा था, उन्हें रास्ता दिखाया था, उन्हें रास्ता दिखाया था। अब राह वही हमको, अब तो अपनानी है। दुख हरने वाला तू, तेरी शोभा न्यारी है, तेरी शोभा न्यारी है। कोई चैन से सोता है, कोई भूखा रोता है, किसका भी दोष नहीं, कर्मों का पासा है, कर्मों का पासा है। कहता है भक्त मंडल, नैया ये तिरानी है। दुख हरने वाला तू,
तेरी शोभा न्यारी है, तेरी शोभा न्यारी है। बोलिए पार्श्व प्रभु की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभु की चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहुत ही नेमीचंद जी से पानी जी आपका स्वागत है, उर्मिला जी गोलछा, विनीता जी पारक, प्रभा जी सुराना, पदम चंद जी कांसवा, पंकज जी बुरड, दीपक जी झाबक, गौतम जी सहा, सभी का हृदय से हृदय के कण कण से स्वागत है। जी मेहता, सुमन जी मालू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी से निवेदन है, देखिए इस हमारी भक्ति को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त जन इस भक्ति का लाभ ले, सुन सके और अपने निर्जरा का लाभ ले सके। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में वंदन करने के पश्चात महावीर जिनका नाम है, पावापुरी जिनका धाम है, महावीर जिनका नाम है, पावापुरी जिनका धाम है, अहिंसा जिसका नारा है, ऐसे त्रिशला नंदन को वंदन बारंबार हमारा है, वंदन बारंबार हमारा है। तो आइए प्रभु महावीर के चरणों में एक वंदना अर्ज करते हैं। मस्तक झुके और वंदन हो जाए, प्रभु महावीर के चरणों में चंदन हो जाए, ऐसी नजरें कहां से लाऊं मेरे महावीर प्रभु कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए। महावीर जन्म कल्याणक आ रहा है तो भगवान महावीर की धूम होने वाली है। चलिए न स्वर है न सरगम है, ना ले ना तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। महावीर के चरणों वर्धमान के चरणों में मस्तक को नवाना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। तुम दया के सागर हो, तुम प्रेम के गागर हो, तुम दया के सागर हो, तुम प्रेम के गागर हो, तन मन से जो ध्याए हर पल में उजागर हो, मेरे दिल की तमन्ना है बस तुझको पाना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है, तराना ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। महावीर के चरणों में वर्धमान के चरणों में मस्तक को नवाना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। तुम सत्य की मूरत हो, तुम धर्म के हो ज्ञानी, तुम सत्य की मूरत हो, तुम धर्म के हो ज्ञानी, तुम अजर अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, तुम कण कण में भर,
हंसते हर जगह ठिकाना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है, तराना ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। महावीर के चरणों में, वर्धमान के चरणों में, मस्तक को नवाना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। बोले समण भगवान महावीर स्वामी की। संगीता जी सेठिया, संजय जी सेठिया, राजश्री जी डागा, सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है सभी के बीच में एक बार फिर से आके करने का आपने अवसर दिया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। संगीता जी सिंघी, आपका स्वागत है। महेंद्र जी सोनावत, सुशील जी मेहता, निकिता जी सिपानी, अजय जो हमारे परम मित्र भी है, बीनीता जी पारक, सभी का शांतिलाल जी जैन, मधु जी सुराना, महेंद्र जी सोनावत, शांति। हेलो हेलो, बिल्कुल। देखिए, सभी से निवेदन है कि हमारी इस भक्ति को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस भक्ति का लाभ सभी को। सुशीला जी मेहता, आपका स्वागत है। मूर्ति जी भेंगानी, सभी का स्वागत है। बिल्कुल, जितने दिया जितना दिया मेरे प्रभु ने, उतनी तो मेरी औकात ना थी। जितना दिया मेरे वीर प्रभु ने, इतनी तो मेरी औकात ना थी। ये तो कृपा है मेरे वीर प्रभु की, वरना मुझमें तो ऐसी कोई बात ना थी। बिल्कुल, ये प्रभु की कृपा ही है जो हमें जिन शासन मिला है, प्रभु जैन धर्म मिला है, प्रभु महावीर का शासन मिला है। तो चलिए एक प्रभु का भजन हम लेते हैं, भगवान तेरी कृपा से। भगवान की कृपा से क्या नहीं होता है। ये जीवन जो हमें मिला है उसी का कृपा प्रसाद है, तो उसी पर एक भक्तिमय गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। भगवान तेरी कृपा से मिला है ये जीवन, भगवान तेरी कृपा से मिला है ये जीवन, कुछ नहीं है पास मेरे, कुछ नहीं है पास मेरे, जो करूं मैं तुमको अर्पण। भगवान तेरी कृपा से मिला है ये जीवन, भगवान भोले भगवान, भगवान प्यारे भगवान, भगवान मेरे भगवान, भगवान तेरी कृपा से मिला है ये जीवन, भगवान। जग के झूठे नाते देखे, देखे झूठे बंधन भगवान, देखे झूठे बंधन, रंग बदलती दुनिया देखी, झूठे सारे आकर्षण भगवान, झूठे सारे आकर्षण, जग का ये भ्रम देख के टूटा, जग का ये भ्रम देख के टूटा, टूटा मन का दर्पण। भगवान तेरी कृपा से मिला है ये जीवन, भगवान
लाज मेरी तेरे हाथों में भगवन, तुम ही इसे संभालो भगवन, तुम ही इसे संभालो। दुनिया से मन ऊब चुका है, दुनिया से मन ऊब चुका है, अपनी शरण में ले लो। तेरा सहारा जो ना मिलता, मैं ठोकर खाती आजीवन भगवन, तेरी कृपा से मिला है ये जीवन भगवन। कुछ नहीं है पास मेरे, कुछ नहीं है पास मेरे, मैं करूं जो तुमको अर्पण भगवन। भोले भगवन, भगवन प्यारे भगवन, भगवन मेरे भगवन। भगवान को हमारे जो आराध्य देव है, उन सभी भगवंतों को, 24 तीर्थंकरों को हम सब सब नमन करते हैं। सुशीला जी मेहता, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ममता जी मालू, हमारे प्रदीप मालू, हमारे प्रदीप भैया जो हमें बहुत सहयोग देते हैं, उनका सहयोग अतुलनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। मंजू जी चोपड़ा, आपका स्वागत है। मधुलिका जी चोरड़िया, आपका भी स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अभी पुगलिया, आपका स्वागत। बिल्कुल सभी का स्वागत है। राजश्री जी डागा, हम सबकी भाभी जी और इस मतलब जैन महिला ग्रुप की एडमिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रा जी पुगलिया, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। चलिए अब हम चलते हैं मधुबन के धाम, मधुबन के धाम। दोस्तों मधुबन का धाम नाम लेते ही मन में एक खुशी छा जाती है, क्योंकि जहां रहमतें बरसती है, जहां किस्मतें संवरती है, जहां होता है सभी भक्तों का बेड़ा पार, वो तो है बस मेरे भूमिया जी का दरबार, वो तो है बस मेरे भूमिया जी का दरबार। हमारे संजय भैया बोल रहे हैं, इतनी सुंदर भाव भक्ति देखकर दीक्षा का भाव आ रहा है। तो अगर दीक्षा का भाव भी आ रहा है ना भैया, तो नेक्स्ट जन्म में हम जरूर दीक्षा लेंगे, ऐसा हमारे गुरुजी फरमाते हैं। भाव आना ही अपने आप में एक विरल, बिल्कुल भाव होना चाहिए। देखिए भाव बिल्कुल जरूर होना चाहिए, ये तो हमारा पुण्य तो होता है, तब हमें दीक्षा मिलती है। दीक्षा के भाव आना भी बड़ी दुर्लभ बात है। वो एक गीत में कहा है ना, एक दिन दीक्षा लूंगा मन में है भाव, एक दिन रक्षा लूंगा मन में है भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पर पाव, संयम लेना संयम, संयम लेना संयम। उर्मिला जी गोलछा, बिल्कुल संयम लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, देखिए दोस्तों, अगर संयम लेने के लिए हमें एक त्याग करना चाहिए, ताकि एक हमारे तेरा पंथ आइडल धर्मेंद्र जी भैया, धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, धर्मेंद्र जी बोथरा जो हमारे तेरा पंथ के आइडल है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी के लिए जरूर कहूंगा कि धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज में वो जादू है जो सब पर छा जाता है। सच कहता हूँ धर्मेंद्र भैया, आपकी हर गीत, आपके हर भजन में दिल हम सभी का आ जाता है। बिल्कुल ऐसे हमारे मधुवन बाले भूमिया बाबा, तेरे दर्शन के प्यासे हैं, तू दर्शन दे जरा मधुबन वाले भूमिया बाबा, तेरे दर्शन के प्यासे हैं, तू दर्शन दे जरा मधुबन वाले, तेरी महिमा का
पार नहीं है, जाने है ये जग सारा। तेरी महिमा का पार नहीं है, जाने है ये जग सारा। तेरी दया की भी नजर पर मिल जाए सबको किनारा। अरे आज आओ, अरे आज आओ, सब मिलके मनाओ, होके मगन भक्ति में मधुबन वाले। भूमिया बाबा तेरे दर्शन के प्यासे हैं, आ तू दर्शन दे जरा। हम ले सहारे दर पे तुम्हारे, कब से है आश लगाए। हम ले सहारे दर पे तुम्हारे, कब से है आश लगाए। आकर बना दे बिगड़ी हमारी, विनती है तुमसे हमारी। तेरे द्वार आए, तेरे द्वार आए है तुमको पुकारे। अब ना करो और देरी मधुबन वाले। भूमिया बाबा तेरे दर्शन के प्यासे हैं, आ तू दर्शन दे जरा। मधुबन वाले भूमिया बाबा, अरिहंत मंडल का हर बालक भक्ति में बन के दीवाना। प्रभु भक्तों से कहता है ये होली में मधुबन आना। सभी मिलके आओ, सभी मिलके आओ और होली मनाओ, रंग गुलाल उड़ाओ मधुबन वाले। भूमिया बाबा तेरे दर्शन के प्यासे हैं, आ तू दर्शन दे जरा। मधुबन वाले भूमिया बाबा। मंजू जी सेठिया जो हमारी बड़ी भाभी है, हृदय से आपका इस भक्ति में स्वागत है। ममता जी मेहता, गौतम भैया, सभी का हृदय से पंकज जी पूरण, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए हम जिनका नाम ना ले सके, बिल्कुल धनपत जी चोपड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी सेठिया जो हमारे बीच में है, और बहुत संजय जी सेठिया की एक बहुत बड़ी खूबी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और बिल्कुल जैसा मतलब होता है वैसा ही उनका कहना। बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल सेठिया जी, मैं आपके लिए तो बिल्कुल यही कहूंगा कि सितार का तार छेड़ो तो मधुर संगीत निकलता है, सितार का तार छेड़ो तो मधुर संगीत निकलता है। संजय जी, आपके व्यवहार में मधुर प्यार छलकता है। बिल्कुल प्यार छलकता है, बिल्कुल। अभी हमने भूमिया जी बाबा को वंदन किया है। सारा जहां है जिनकी शरण में, नमन है हमारा भूमिया बाबा के चरण में। बने हम उस भूमिया बाबा के चरणों की धूल, आओ मिलाकर चढ़ाए श्रद्धा के फूल। अभी हमने भूमिया बाबा को याद किया है, अब हम याद करते हैं उन्हें जिनके लिए आज ये भक्ति हमने आयोजित की है। ऐसी हमारी बहना, हमारी वर्षा बहना, जो हमारे इस जैन महिला ग्रुप की लता मंगेशकर हम जिन्हें कहते हैं, जिनकी आवाज और जिनका व्यक्तित्व एक हमारे लिए प्रेरणा का सबक है। देखिए दोस्तों, रो पड़ती है आंखें हमारी देख के तस्वीर आपकी, रो पड़ती है आंखें हमारी देख के तस्वीर आपकी। जिंदगी ऐसी जी गए कि मौत भी शर्मा गई, कि जिंदगी ऐसी जीत जी गए कि मौत भी शर्मा गई। जिंदगी जी छोटी लेकिन, जिंदगी जी छोटी लेकिन सबसे अच्छी जी गए,
हर जगह सुगंध फैलाकर, हर जगह प्रेम की सुगंध फैलाकर, स्मृति सबके दिलों में छोड़ गए, छोड़ गए। ऐसी हमारी वर्षा बहना को समर्पित है हमारा ये गीत। हमें बहुत याद आती है, हम बहुत मिस करते हैं, और अपने इस गीतों के द्वारा आज हम हमारी बहना को याद करेंगे, उनके गुणों का बखान करेंगे। तो प्रस्तुत है भावभीनी भावांजलि। मरना तो सबको आएगा, जीवन जीना जान। मरना तो सबको आएगा, जीवन जीना जान। आत्मा तो मरती नहीं, अमर बना पहचान। हमारी वर्षा दी ने अपनी पहचान अपने सुरों के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व से, अपने प्रेम से फैला दी है। आज वो हमारे बीच नहीं है, हम उन्हें मिस कर रहे हैं, उन्हें भाव भरी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। उन्हीं की याद में एक प्यारा सा गीत। चली गई तुम छोड़ के सबको, तुमको याद करेंगे हम। चली गई तुम छोड़ के सबको, तुमको याद करेंगे हम। तुमसे इतना स्नेह मिला है, कैसे भूल सकेंगे हम। तुमसे इतना स्नेह मिला है, कैसे भूल सकेंगे हम। चली गई तुम छोड़ के हमको, चली गई तुम छोड़ के हमको। तुमको याद करेंगे हम, तुमसे इतना प्यार मिला है, कैसे भूल सकेंगे हम। तुमसे इतना स्नेह मिला है, कैसे भूल सकेंगे हम। कल तक थी जो बीच हमारे, आज कहीं वो छूट गई। कल तक जो थी बीच हमारे, आज कहीं वो छूट गई। ऐसी भूल हुई क्या बोलो, जो तू हमसे रूठ गई। ऐसी भूल हुई क्या बोलो, जो तू हमसे रूठ गई। छुप गई जाके कौन नगरिया, छुप गई जाके कौन नगरिया। कैसे ढूंढ सकेंगे हम, तुमसे इतना स्नेह मिला है, कैसे भूल सकेंगे हम। तुमसे इतना स्नेह मिला है, कैसे भूल सकेंगे हम। तीनों बिटिया देखिए, ये सॉन्ग इतना ऐसा है कि आंखों से आंसू धारा तो बह निकलती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तीनों ही बिटिया के भाव है जो इस गीत में है। बिटिया कहती है, हम है तेरी प्यारी बिटिया, रास्ता कौन दिखाएगा। हम है तेरी प्यारी बिटिया, रास्ता कौन दिखाएगा। क्या करना क्या ना करना है, कौन हमें सिखलाएगा। क्या करना है क्या नहीं करना, कौन हमें सिखलाएगा। ऊंच नीच दुनियादारी की, ऊंच नीच दुनियादारी की, किससे बातें सीखे हम। तुमसे इतना प्यार मिला है, कैसे भूल सकेंगे हम। तुमसे इतना प्यार मिला है, कैसे भूल सकेंगे हम। भाई बंधु कुटुंब
कुटुंब कबीला सबसे रिश्ता तोड़ गई। भाई बंधु कुटुंब कबीला सबसे रिश्ता तोड़ गई। बेटी भाई संगी साथी सबको रोता छोड़ गई। बेटी भाई यार दोस्त तो को रोता छोड़ गई। वो आघात लगा है हमको, कैसा आघात लगा है हमको, कैसे धीर धरेंगे हम। तुमसे इतना प्यार मिला है कैसे भूल सकेंगे हम। तुमसे इतना प्यार मिला है कैसे भूल सकेंगे हम। चली गई तुम छोड़ के हमको, चली गई तुम छोड़ के सबको, तुमको याद करेंगे हम। तुमसे इतना प्यार मिला है कैसे भूल सकेंगे हम। तुमसे इतना प्यार मिला है कैसे भूल सकेंगे हम। बंद नजरों में ही आपकी तस्वीर दौड़ आती है, बंद नजरों में ही आपकी तस्वीर दौड़ आती है। जैसे बादलों में अपनी बादलों में बिजली अपनी चमक छोड़ जाती है, जैसे बादलों में बिजली अपनी चमक छोड़ जाती है। सचमुच वर्षा दी आपने अपनी चमक, जैन महिला ग्रुप और अन्य सभी संस्थाओं से जुड़कर आपने अपनी सौरभ फैलाई है। हम हमेशा याद करेंगे, दिलों में आप हमेशा जिंदा रहेगी। रहने को सदा दुनिया में आता नहीं कोई, ये बिल्कुल सही है कि रहने को सदा दुनिया में आता नहीं कोई। तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। तो हमारी बहना को हम सत सत याद करते हुए उनके गुणों का हम गुणगान करते हैं। नाम पुष्पा जी से पानी, सुनीता जी पटवा, सभी का। पुष्पा जी से पानी, सुनीता जी पटवा, सभी का हृदय से स्वागत है। प्रभा जी सुराना, राश्री जी डागा, जिनके सहयोग से, जिनके ऑर्डर से आज हमने ये भक्ति का आयोजन किया है। हमारे गौतम भैया पूरा पूरा हमारा सहयोग करते हैं। हाँ, हमारे धर्मेंद्र भैया जो तेरा पंथ आइडल है, उनकी ये भावना है कि उनकी श्रद्धांजलि में कोई ना कोई त्याग प्रत्याख्यान नियम जरूर ले, एक माला, एक उपवास, एक एकासना, जिसकी जैसी भावना है वो जरूर उनकी श्रद्धांजलि में आज की इस भक्ति के माध्यम से मैं अपील करूँगी कि जरूर एक ना एक त्याग करें। मैंने एक साल का प्याज का त्याग लिया हुआ था, मैं अगला एक साल हमारी वर्षा जी की याद में ले रही हूँ। आज वर्षा जी की याद में प्याज का प्रत्याख्यान एक साल और बढ़ा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं भी वर्षा जी की स्मृति में एक साल में कम से कम 6 आइम्बिल की तपस्या करने का प्रत्याख्यान लेता हूँ। आइम्बिल की तपस्या लेने का मैं प्रत्याख्यान लेता हूँ। एक साल में 6 आइम्बिल करूँगा हमारी वर्षा बहना की याद में। तो आप सभी से भी निवेदन है कि अगर जो भी आप त्याग लेना चाहे, बिल्कुल मन में त्याग ले आप। कहते हैं कि जीवन एक अंतरदेशीय लिफाफा है, 1, 2, 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। तो जीवन की स्वर्णिमता को हम समझें और जीवन पर ही आधारित एक प्यारा सा भजन गीत। जो आया वो जाएगा, जो आया वो जाएगा, दुनिया एक सराय, कोई आगे चल दिया कोई पीछे जाए।
जाना तो सब जाना सबको निश्चित है, तो हम जाने को सफल कैसे बनाएं वो हमें चिंतन करना है। कहते हैं कि आना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में आना कोई बड़ी बात नहीं है। हम मम्मी के माध्यम से पापा के माध्यम से आ जाते हैं, लेकिन जाना कैसे है, कैसा जीवन हम जी कर जाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। विशाल है बिल्कुल, जैसे हमारी वर्षा बहना का जीवन बिल्कुल छोटा है लेकिन उनका जीवन एक विशाल है, हम सबके लिए प्रेरणादायक है। तो चलिए एक जीवन, हमारे संजय भैया कह रहे हैं कि इस भक्ति तप को विराम ना देवे। जी जरूर बिल्कुल बिल्कुल, जीवन का भरोसा नहीं कब मौत आ जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं कब मौत आ जाएगी, काया और माया तेरी तेरे साथ नहीं जाएगी, काया और माया तेरी तेरे साथ नहीं जाएगी, काया पे गुमान ना कर, ये तो माटी का खिलौना है, हो काया पे गुमान ना कर, ये तो माटी का खिलौना है, चाह तेरा होना नहीं लिखा भाग्य का होना है, चाह तेरा होना नहीं लिखा भाग्य का होना है, तेरा और मेरा छोड़, तेरा और मेरा छोड़, जीवन ज्योति बुझ जाएगी, काया और माया तेरी तेरे साथ नहीं जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं कब मौत आ जाएगी, दौलत पे गुमान न कर, ये तो हाथ का मेला है, हो दौलत पे गुमान न कर, ये तेरे हाथ का मेला है, राजा है तो रंक कोई सब किस्मत का खेला है, झूठी है ये माया नगरी, झूठी है ये माया नगरी, कब पल में पलट जाएगी, झूठी है ये माया नगरी कब पल में पलट जाएगी, काया और माया तेरी तेरे साथ नहीं जाएगी, दो दिन का मेला है सब माया का खेला है, दो दिन का मेला है सब माया का खेला है, जाए नहीं साथ कोई तुझे जाना अकेला है, पलक झपकते ही हाँ पलक झपकते ही दुनिया तुझे ठुकराएगी, काया और माया तेरी तेरे साथ न जाएगी, रिश्तों पे भरोसा ना कर,
आशा ना कर, रिश्तों पे भरोसा ना कर, दुनिया से तू आशा ना कर। तरना है जो भवसागर, गुरुदेव का सुमिरन कर, भक्ति की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से जीवन नैया तर जाएगी। काया और माया तेरी तेरे साथ नहीं जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं कब मौत आ जाएगी। काया और माया तेरी तेरे साथ नहीं जाएगी। देखिए, मुझे जो भजन पसंद आता है मैं उस भजन को पूरा लेती हूँ। अगर आपको ऐसा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा ही सुनना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल, मतलब ऐसे भजन है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और एक जीवन जीने की आशा जगती है। और बिल्कुल यथार्थ जीवन की परिभाषा इस भजन में कही गई है, तो बहुत ही प्यारा गीत है। क्या लाया था साथ में, क्या जाएगा साथ दोस्तों, क्या लाया था साथ में, क्या जाएगा साथ, आना खाली हाथ है, जाना खाली हाथ। लेकिन इसके बीच में जो हम सत्य कर्म करते हैं, जो आराधना करते हैं, वही हमारे साथ में जाती है और बाकी तो सब यही रह जाता है। इसलिए प्रभु की भक्ति, प्रभु की आराधना करते चलिए। और अब देखिए, प्रभु ने हमें जितना दिया ना, हम क्या कहे। हमें जैन शासन मिला है और इतना कुछ प्रभु की कृपा से मिला है, तो हम ऐसे प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और बिल्कुल हम राज सिंह जी, नीतू जी डागा, बिल्कुल सुनीता जी पटवा, जो भी नए भक्त जुड़ रहे हैं, ममता जी दुग्गड़, सभी का हृदय से स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रानी जी जैन, संजय जी सेठे तो हमारे बने रहते हैं, बिल्कुल। मोना जी नवलखा हमारी सिस्टर है, पंजय जी, पंकज जी सेठिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से खूब खूब आभार। पुष्पा जी सिपानी, चलिए भगवान ने हमें क्या दिया और भगवान का उपकार कितना है हमारे ऊपर, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। इतना क्या कम है उपकार तेरा, इज्जत की रोटी खाता परिवार मेरा हो। इतना क्या कम है उपकार तेरा, इज्जत की रोटी खाता परिवार मेरा हो। इतना क्या कम है यू ख्वाहिशों की सीमा कहाँ है, यू ख्वाहिशों की सीमा कहाँ है, जो है जरूरत वो मिल रहा है, जो है जरूरत वो मिल रहा है। हो रुकने ना दिया कभी, रुकने न दिया कभी कोई काम मेरा हो। इतना क्या कम है उपकार तेरा, इज्जत की रोटी खाता परिवार मेरा हो। इतना क्या कम है इज्जत का गहना लुटने दिया ना, इज्जत
का गहना लुटने दिया ना, दुनिया में सिर मेरा झुकने दिया ना, हो हाथ किसी के आगे फैलाना मेरा हो, हो रुकने न दिया कभी कोई काम मेरा हो, इतना क्या कम है उपकार तेरा, इज्जत की रोटी खाता परिवार मेरा हो, इतना क्या कम है। बिल्कुल, जितना दिया मेरे प्रभु ने ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम संतोष बने, हमारे जैन धर्म में कहा है संतोष ही परम जीवन है। बिल्कुल, जितना दिया और उतना हम प्रभु की मेहरबानी समझते हैं। और आइए एक गीत हम जीवन पर आधारित लेते हैं, जीवन की स्वर्णिमता को समझते हैं। और मीना जी शुराना बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मंजू जी चोपड़ा, महेंद्र जी सोनावत, राजश्री जी, संतोष जी नौलखा जो मेरी प्रिय मौसी भी है, आप सभी का, सभी ललित जी श्याम सुखा बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत सपोर्ट करते हैं, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का खूब खूब आभार, आपकी प्रेरणादायक और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से शुक्रिया, आभार। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जिसको माना है अपना अपना ही तो है सपना, जिसको माना है अपना अपना ही तो है सपना, जिसके लिए माया जोड़ी वो क्या तेरा है अपना, जिसके लिए माया जोड़ी वो क्या तेरा है अपना, तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा तुझको आग लगाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, चंद दिनों का जीवन है देखो इसमें सुख कम है, चंद दिनों का जीवन है देखो इसमें सुख कम है, जन्म सभी को मालूम है लेकिन मौत से काफिर है, जन्म सभी को मालूम है लेकिन मौत से काफिर है, जाने कब तन से हो जाने कब तन से पंछी उड़ जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, कब मिट जाए रे, जब तक सांसें चल रही है कर लीजिए उपकार, जब तक सांसें चल रही है कर लीजिए उपकार,
वरना खाली हाथ जाएगा परमानंद के द्वार, वरना खाली हाथ जाएगा परमानंद के द्वार। बिल्कुल, मरना तो सबको आएगा जीवन जीना जान, मरना तो सबको आएगा जीवन जीना जान, आत्मा तो मरती नहीं अमर बना पहचान, आत्मा तो मरती नहीं अमर बना पहचान। बिल्कुल, हमारी आत्मा अजर अमर है, लेकिन इस जीवन का पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। और अब देखिए, अब एक वो गीत लेके आ रहे हैं, भाव बिना गीत। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसके प्यार का कोई अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ, और एक माँ वो हमारी वर्षा बहना, वो माँ कैसी और हम सब के लिए क्या किया, और बेटिया माँ के लिए क्या कहती है, माँ को समर्पित, यानी हमारी वर्षा जो हमारी तीन बेटियों की माँ उन्हें समर्पित, उन तीनों बेटियों की जो फीलिंग्स है इन शब्दों में पिरोया हुआ है मैंने, तो मैं आपके समक्ष उन बेटियों की फीलिंग्स को बयां करने जा रही हूँ। भीगी पलकों ने ये बताया उठ गया है माँ का साया, भीगी पलकों ने ये बताया उठ गया है माँ का साया, मेरा तन मन सब मुरझाया, मेरा अंग अंग है घबराया, भीगी पलकों ने ये बताया मेरे नयनों के दर्पण में माँ तेरी छवि है प्यारी, मेरे अधरों की चौखट पे मुखरित है समाया, मेरा तन मन सब मुरझाया, मेरा अंग अंग है घबराया, भीगी पलकों ने ये बताया उठ गया है माँ का साया, मेरा तन मन सब मुरझाया, मेरा अंग अंग है घबराया, माँ प्यार का बहता सागर, माँ निर्मल निश्चल निर्जल, माँ दुख हरती सुख देती, माँ जैसा मिलना दुर्भर, तेरे संग बीता बचपन माँ तूने लाड लड़ाया, तेरे संग बीता बचपन माँ तूने लाड लड़ाया, मेरा तन मन सब मुरझाया, मेरा अंग अंग है घबराया, भीगी पलकों ने ये बताया उठ गया है माँ का साया, मेरा तन मन सब मुरझाया, मेरा अंग अंग है घबराया। बेटियों की अब प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु मेरी विनती सुन लो, जिस जहां में मेरी माँ हो उसे आध्यात्मिक स्वर दे दो, मुक्ति की राह दिखा दो, इस जन्म मरण से
जगाया, मेरा तन मन सब मुरझाया, मेरा अंग अंग है घबराया, भीगी पलकों ने ये बताया, उठ गया है माँ का साया, मेरा अंग अंग है मुरझाया, मेरा तन मन सब घबराया, भीगी पलकों ने ये बताया, उठ गया है माँ का साया। हेलो क्या कहे दोस्तों, हमारे धनपत जी चोपड़ा कहते हैं कि आप भी माँ को बहुत मिस करते हो। रियली माँ चीज ही ऐसी होती है, माँ जैसा रिश्ता दुनिया में कोई और बना नहीं, बनेगा नहीं। माँ सृष्टि की रचना है, माँ सब कुछ है। माँ है तो बच्चों में खुशी है, सब कुछ माँ से ही हमें मिलता आया है। इतनी भावपूर्ण प्रस्तुति जिसे सुनकर के बिल्कुल अश्रुधारा बह निकलती है। और ये शकुन की ये रचना है, शकुन ने अभी तक माँ के लिए 13 गीतों की रचना की है, उसमें से एक ये गीत है। और भी बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी संचेती, हमारे पंकज जी सेठिया हमारे बीच में जुड़े हैं, और हमारे आश्री जी दुग्गड़, नेमीचंद जी सिपानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे गौतम डागा और हमारे राश्री दीदी तो हमारे साथ में है, राजश्री सिंह भी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल संतोष जी नवलखा, बिल्कुल हमारी महावीर चंद जी बाफना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम चंद जी लोढ़ा, चंदा जी लोढ़ा, बिल्कुल पंकज बुरट, हमारे मंजू जी चोपड़ा, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत, इंदिरा जी जैन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगर नाम किसी का छूट जाए तो कृपया प्लीज। मंजू जी चोपड़ा, रेखा जी दुग्गड़ जो बहुत ही अच्छी गायिका है, रेखा जी बराबर हमें उनका सपोर्ट बिल्कुल मिलता है। अगली भक्ति बिल्कुल रेखा जी दुग्गड़ से कराएंगे, रेखा जी दुग्गड़ बहुत अच्छा गाते हैं। रेखा जी दुग्गड़ की भावना है, उनकी भी एक भक्ति हमारे जैन महिला ग्रुप में हो। हां राश्री जी भाभी आप अगला नाम है ना हमारा, रेखा जी दुग्गड़ का नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल। अब देखिए एक गीत वो है जो हमने बहुत साल पहले इस गीत की रचना की थी, और ये गीत ऐसा है कि काल किस तरह से हमारे साथ आता है, हमें जकड़ करके ले जाता है, हम किसे कैसे भी कर ले लेकिन काल से बचने नहीं पाते हैं। तो ये जो भजन अब मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ, ये हमारे मिस्टर राजेश जी डागा ने बनाया है, बहुत ही भावपूर्ण है, सुनिएगा इसे। काल अचानक आवे ला, जद कंठ पकड़ ले जावे ला, काल अचानक आवे ला, जद कंठ पकड़ ले जावे ला, काको मामो भाई बंधु तारा काम न आवेला, कि एक दिन जावेला, हाँ हाँ एक दिन जावेला, कोई नहीं थारे तो आडो आवेला, कि एक दिन जावेला, उठ जा भाया नोटिस आयो, यमरो घंटो बाजो रे, उठ जा पाया नोटिस आयो, यमरो घंटो बाजो रे, बीत गयो गर काल पावर, फिर पछतावेला, कि एक दिन जावेला, हाँ हाँ एक दिन जावेला, कोई नहीं थारे तो आडो आवेला, कि एक दिन जावेला, छुप जा चाहे महला में तू, चाहे छुप जा भोरा में, राजस्थान में भोरा होता ना भोरा, बिल्कुल चाहे कहीं भी छुप जाए, छुप जा चाहे महला में तू, चाहे छुप जा भोरा में, काल सु कोई बच नहीं पावे, झट सु उठावेला, कि एक दिन जावेला, हाँ हाँ एक दिन जावेला, कोई नहीं थारे तो आडो आवेला,
के एक दिन जावेला। खोटी कमाई सारी थारी अठे पड़ी रह जावेला। खोटी कमाई सारी थारी अठे पड़ी रह जावेला। थारा ही जायोड़ा थारो माल उड़ावेला के एक दिन जावेला। हो हो एक दिन जावेला। कोई नहीं थारे तो आडो आवेला के एक दिन जावेला। मोतरो नाम सुनता ही देखो थर थर काया कापे है। मोतरो नाम सुनता ही देखो थर थर काया कापे है। धर्म कमाई नरी करी जब खूब रुलावेला के एक दिन जावेला। हा हा एक दिन जावेला। कोई नहीं थारे तो आडो आवेला के एक दिन जावेला। राजा हो या रंक भले ही सबने एक दिन जानो है। राजा हो या रंक भले ही सबने एक दिन जानो है। जीशा कर्म करोड़ों साही फल पावेला कि एक दिन जावेला। हा हा एक दिन जावेला। कोई नहीं थारे तो आडो आवेला कि एक दिन जावेला। अब तो नोटिस नहीं आवेला सीधो वारंट आवेला। अब तो नोटिस नहीं आवेला सीधो वारंट आवेला। धर्म करम सु मुक्ति राजेश तू ही पावेला कि एक दिन जावेला। धर्म करम करियोड़ा थारे आडा आवेला कि एक दिन जावेला। हा हा एक दिन जावेला। कोई नहीं थारे तो आडो आवेला एक दिन जावेला। काल अचानक आवेला जब कंठ पकड़ ले जावेला। काल अचानक आवेला जब कंठ पकड़ ले जावेला। काको मामो भाई बंधु थारे काम न आवेला कि एक दिन जावेला। एक दिन जावेला। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहना जो भी कमेंट्स दे रहे हैं धनपत जी चोपड़ा सभी 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 की को धन्यवाद। हमारी बहना रेनू जी कांकरिया भी इंदौर से जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धनपत जी बोल रहे हैं मेरी माँ मेरी जान वाली रचना जरूर सुनाना ट्राई करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल माँ के लिए तो आज बिल्कुल दो चार रचना हम बिल्कुल सुनाएंगे माँ के लिए। जो एक माँ ने एक माँ को खोया है तीन तीन बेटियों ने तो माँ की महिमा जरूर सुननी है सुनानी है। बिल्कुल सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप यहाँ पर सब आए हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। चंद्रकला जी सिपानी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल तो आइए अब एक गीत लेते हैं जैसे करने लगे अरे हो हो चंद दिनों का है करना है सो कर ले पुण्य से झोली भर ले। हे मूर्ख इंसान अरे हो चंद दिनों का है
भर ले हे मूरख इंसान। गई रात और हुआ सवेरा, ज्यों पंछी उड़ जाए हे। गई रात और हुआ सवेरा, ज्यों पंछी उड़ जाए। चिड़िया चुग गई खेत बावरे, पड़ा पड़ा पछताए। तेरे हाथ कछु ना आए, चंद दिनों का है मेहमा, करना है सो कर ले। पुण्य से झोली भर ले हे मूरख इंसान। प्रभु नाम को भूला जाए, माया में भरमाए। प्रभु नाम को भूला जाए, माया में भरमाए। ऊंचे ऊंचे महल और सब ठाठ यही रह जाए। ए बसने की बदी संग जाए, चंद दिनों का है मेहमा, करना है सो कर ले। पुण्य से झोली भर ले हे मूरख इंसान। अरे हो हो, चंद दिनों का है मेहमा। हमारे धनपत भैया से मैं अनुरोध करूंगी, आप मुझे माँ की पैरडी माँ के भजन लेने का अनुरोध कर रहे हैं, बट मैं जब माँ के भजन लेती हूँ तो आंखें भर आती है और वो इफेक्ट गले पे जा रहा है, तो मैं जितना ऊपर मुझे लेना है मैं ले नहीं पा रही हूँ। फिर भी ट्राई करूंगी कि आपकी रिक्वेस्ट भी मैं कोशिश करूंगी। और स्पेशली बिल्कुल माँ की भक्ति होगी। देखिए आज हम जो ये भक्ति करने जा रहे हैं बिल्कुल भावपूर्ण भक्ति है, और शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, भावों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गला आंसू आते ही गला पूरा बैठ जाता है। कोशिश करती हूँ कि आंसू ना आए, बट ये तो बिन बताए चले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होता ही है, तो बिल्कुल सुनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, याद आता है मुझे पिछला रक्षाबंधन, जो पिछला रक्षाबंधन गया था उस रक्षाबंधन पर एक गीत जो हमने अपनी बहना को समर्पित किया था, और हमने उन्हें स्टार मेकर में सुनाया भी था, लाइव सुनाया था, और ये गीत स्पेशली मैंने वर्षा जी को, मेरी बहना को हमने सुनाया था। तो वर्षा जी अब हम एक गीत, वो गीत है जो मैंने रक्षाबंधन पर, हमारे धनपत भैया लगता है बहुत माँ से प्यार करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम आपके भजन सुन रहे हैं और रो रहे हैं। मत रोइए, क्योंकि माँ वापस नहीं आती है, उनकी यादें याद करके ही हमें जीना होगा। यादों का सहारा, यादों का संबल ऐसा होता है कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल हाँ, तो चलिए अब मैं एक गीत मेरी बहना को समर्पित, जो मैंने रक्षाबंधन पर सुनाया था, आज गौतम जी डागा जो उनके भाई, क्या कहूँ, मतलब भाई हो तो गौतम जी डागा जैसे, बिल्कुल
मिल जाए गौतम जी डागा जैसे भैया, ये अरमान सभी का होता है, मगर खुशकिस्मत है हमारी वर्षा बहना, जिन्हें गौतम भैया जैसे भैया का साथ नसीब होता है। कोई गीत को संगीत मिल जाए तो फिर भला क्या चाहिए, मीत को प्रीत मिल जाए तो फिर भला क्या चाहिए। जीवन के सुनहरे सफर में, जीवन के सुहाने सफर में वर्षा जैसी बहना मिल जाए तो फिर भला क्या चाहिए। वर्षा जैसी बहना मिल जाए तो फिर भला क्या चाहिए, वो गीत जो मैंने रक्षाबंधन पर मेरी बहना वर्षा को सुनाया था वो अब आपको सुना रहा हूँ। हेलो हेलो, चंदा की चांदनी वर्षा, सूरज की रोशनी वर्षा, चंदा की चांदनी वर्षा, सूरज की रोशनी वर्षा, फूलों की खुशबू वर्षा, भैया की बहना वर्षा। ये वर्षा तो जहाँ से न्यारी है, भैया की खिली फुलवारी है। ये वर्षा तो जहाँ से न्यारी है, भैया की खिली फुलवारी है। चंदा की चांदनी वर्षा, सूरज की रोशनी वर्षा, फूलों की खुशबू वर्षा, भैया की बहना वर्षा। ये वर्षा तो जहाँ से न्यारी है, भैया की खिली फुलवारी है, मम्मी पापा की है, बिटिया राज दुलारी। मम्मी पापा की है, बिटिया राज दुलारी, राजेश गौतम भैया की बहना सबसे प्यारी, राजेश गौतम भैया की दीदी सबसे प्यारी। तेरा प्यार सभी को मिला है, सुंदर उपवन ये खिला है, तेरा प्यार सभी को मिला है, सुंदर उपवन ये खिला है, तेरे सामने जो भी आया बस प्यार ही प्यार वो पाया। ये वर्षा तो जहाँ से न्यारी है, भैया की खिली फुलवारी है। ये वर्षा तो जहाँ से न्यारी है, भैया की खिली फुलवारी है। जिन महिला ग्रुप की शान हो, हर दिल का अरमान हो, जिन महिला ग्रुप की शान हो, हर दिल का अरमान हो, गीत सुहाने गाती हो, सबका दिल बहलाती हो, गीत सुहाने गाती हो, सबका दिल बहलाती हो, आंखों का नूर है वर्षा, चाहत का सुरूर है वर्षा, आंखों का नूर है वर्षा, चाहत का सुरूर है वर्षा, सबका गुरूर है वर्षा, कोही नूर है वर्षा। ये वर्षा तो जहाँ से न्यारी है, भैया की खिली फुलवारी है। ये वर्षा तो जहाँ से न्यारी है, भैया की खिली फुलवारी है। चंदा की चांदनी वर्षा, सूरज की रोशनी वर्षा,
चंदा की चांदनी वर्षा, सूरज की रोशनी वर्षा, फूलों की खुशबू वर्षा, भैया की बहना वर्षा, ये वर्षा तो जहाँ से न्यारी है भैया की खिली फुलवारी है। पिछले रक्षाबंधन पर तो ये गीत सुनाया था, अब आगे की रक्षाबंधन पर मिस यू वर्षा बहना, विश यू वर्षा बहना। हमारे गौतम भैया कह रहे हैं कैसे अभागे हैं हम जो हमने अपनी बहना को खोया है, लेकिन कुदरत के इस नियम के आगे किसी का जोर चलता नहीं है। विधाता का जो नियम है, दस्तूर है, हमें स्वीकारना ही होगा गौतम भैया, क्योंकि किसी का, हम में से किसी का जोर कुदरत के करिश्मे में नहीं चलता है। सगला ठाठ अठे रह जासी, सगला ठाठ अठे रह जासी, पासारो बनसी मा चलियो, जीव अकेलो जासी साथे होसी खांडो तावणियो, जीव अकेलो जासी साथे होसी खांडो तावणियो, सगला ठाठ अठे रह जासी, सगला ठाठ अठे रह जासी, बासारो बणसी मा चलियो, जीव अकेलो जासी साथे होसी खांडो तावणियो, जीव अकेलो जासी साथे होसी खांडो तावणियो। घट में थारे सांस हुए जद गुण थारा सगला गावे, घट में थारे सांस हुए जद गुण थारा सगला गावे, कोई काको बाबू कहकर खीर खांड भोजन ल्यावे, सांस निकलते आंख बदलते, सांस निकलते आंख बदलते, झट मंगवासी का फनियो, जीव अकेलो जासी साथे होसी खांडो तावणियो, जीव अकेलो जासी साथे होसी खांडो तावणियो, सगला ठाट अठे रह जासी, सगला ठाट अठे रह जासी, बासारो बनसी मा चलियो, जीव अकेलो जासी साथे होसी खांडो तावणियो। नहीं छोड़े ला कपड़ो लत्तो मेख दातरी ले लेसी, सत्य बात, नहीं छोड़े ला कपड़ो लत्तो मेख दातरी ले लेसी, थारे ही जायोड़ा थारे तन में लापो दे देसी, थारे ही जायोड़ा थारे तन में लापो दे देसी, धुआं उड़ेला राख बनेला, धुआं उड़ेला राख बनेला, नहीं बचेला तातणियो, जीव अकेलो जासी साथे होसी खांडो तावणियो, जीव अकेलो जासी साथे होसी खांडो तावणियो। सगला ठाट अठे रह जासी, सगला ठाट अठे रह जासी, बासारो बणसी मा चलियो, जीव अकेलो जासी साथे होसी खांडो तावणियो, जीव अकेलो जासी साथे होसी खांडो तावणियो। लाख करोड़ कमावन ताई कितरा खोटा कर्म करे, लाख करोड़ कमावन ताई कितना खोटा कर्म करे, परमेश्वर की सोगन खाकर कूड़ा खाता साच करे,
परमेश्वर की सोगन खाकर कूड़ा खाता साँच करे। सांस निकलते आंख बदलते, सांस निकलते आंख बदलते, आसी दूजा खावणिया, जीव अकेलो जासी, साथ हो सी खांडो तावणियों, सगला ठाट अठे रह जासी, सगला ठाट अठे रह जासी, बासारो बनसी मा चलियो, जीव अकेलो जासी, साथ हो सी खांडो तावणियो, जीव अकेलो जासी, साथ हो सी खांडो तावणियो। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भैया, राश्री दी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए, देखते ही देखते सेंचुरी लग चुकी है, बिल्कुल सेंचुरी, 100 लोग, 100 हमारे सब अपने अपने साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आप सभी यहाँ पर हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत। हमारे बीच में देखिए शिल्पा जी बेद, एक बहुत ही जबरदस्त सिंगर, वास्तव में वो जब गाते हैं तो सब झूम जाते हैं, बिल्कुल इनकी आवाज़, उनके गाने का अंदाज बेमिसाल है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त गाते हैं। तो ऐसे शिल्पा जी बेद को हमारे काकीसा निरूपा डागा जी, डागा जो हमारे काकीसा है नागपुर से, धन्यवाद, बिल्कुल हमारे काकासा काकीसा निर्मल जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे काकीसा हमारी भक्ति में शामिल है। पूनम जी कोठारी, हाँ बिल्कुल, निरूपा जी डागा, काकासा जी, काकासा जी, कुसुम जी गोलछा, अशोक जी गोलछा, सभी का भक्ति में स्वागत है, बिल्कुल। रविंदर जी बेताला, हमारे रविंदर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर भाई, नागपुर की शान, किरण देवी डागा, शिल्पा जी बेद, तो क्या कहूँ, वो तो बहुत जबरदस्त सिंगर है। तो सभी का, कांता जी लोडा, बबीता जी दुक्कड़, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम एक गीत लेते हैं, मातृ पिता की भक्ति। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना, मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। रजनी डागा जो मेरी देवरानी है, छोटी देवरानी, हृदय से भक्ति में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी करनी वैसी भरनी, हम जैसा करेंगे वैसा ही फल हमें मिलने वाला है, तो बिल्कुल अच्छे कर्म करें तो अच्छे कर्मों का फल हमें अवश्य ही अच्छा मिलता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद राश्री जी डागा।
धन्यवाद तो हमें आपको देना है कि भक्ति का अवसर आप हमें देते हो और इससे हमारे पुण्यों का बंध होता है, तो हमें निर्जरा करने का अवसर मिलता है। तो राजश्री जी आपको दिल से धन्यवाद। बिल्कुल, पूरी की पूरी जैन महिला ग्रुप टीम को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। वास्तव में ग्रुप हो तो जैन महिला ग्रुप जैसा। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, और तो विषयों में सारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, जाने कब जाना पड़े तन छोड़ कर, जाने कब जाना पड़े तन छोड़ कर, इष्ट मित्रों से सदा मुँह मोड़ कर, जान कर अनजान क्यों तुम बन गए, जान कर अनजान क्यों तुम बन गए, और तो विषयों में सारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, छोड़ धन दौलत सिकंदर चल दिया, छोड़ धन दौलत सिकंदर चल दिया, आत्मा का हित जरा भी नहीं किया, हीरे मोती के खजाने रह गए, हीरे मोती के खजाने रह गए, और तो विषयों में सारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, क्या तू लेकर आया था क्या जाएगा, क्या तू लेकर आया था क्या जाएगा, तन भी एक दिन खाक में मिल जाएगा, क्यों चिदानंद व्यर्थ में दुख सह गए, लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, और तो विषयों में सारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। महाप्रज्ञ जी का दो लाइन है, आदमी आता है चला जाता है, आदमी आता है चला जाता है, आना कोई बड़ी बात नहीं और जाना कोई छोटी बात नहीं, आना कोई बड़ी बात नहीं और जाना कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात तब है जब आदमी अपने जीवन में धर्म को साथ में ले जाता है। उमेश भैया जो हमारे देवर है, बहुत ही प्यारे हैं, हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरी भक्ति में मुझे बराबर साथ रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जयश्री जी दुग्गड़ और सुरेंद्र जी छाजेड़, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ,
बहुत बहुत आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। हम वर्षा जी हमारी बहना जो है उनके लिए भी और हमारे गीत है जो हम उनको सुनाएंगे। बिल्कुल, अब हम एक भक्ति गीत ले लेते हैं। हाँ, एक देखिए, आज सारी दुनिया का हाल बेहाल है, आज सारी दुनिया का हाल बेहाल है, सबकी बिगड़ी हुई चाल है। देखो कितनी अफसोस की बात है, देखो कितने अफसोस की बात है कि भाई भाई के लिए भूल रहा जाल है। आज सारी दुनिया का हाल बेहाल है। तो चलिए अब हम अपने एक गीत देखिए, ये एक वो गीत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो गीत है ना, इस गीत का एक राज है। अभी जो मैं गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, हम लोग इस गीत की एक कहानी है। एक समय था गुवाहाटी में जब हमने ये गीत स्टेज पर सुनाया था और इस गीत का इतना प्रभाव हुआ। और मैं आपको बताऊं ना, उस गीत का ही चमत्कार है जो शकुन डागा जैसी जीवन साथी मुझे मिली। बिल्कुल, ये गीत जब हम पहली बार हमने जब सुनाया था गुवाहाटी में, तो शकुन डागा जो गुवाहाटी आई हुई थी, जब उन्होंने ये गीत पहली बार हमारे वहां गुवाहाटी में तेरापन भवन में सुना, तो उस गीत से वो प्रभावित जब राजेश के मुखारविंद से उनका खुद का बनाया हुआ ये गीत सुना, तो मुझे लगा कि ये विचार बिल्कुल मेरे से मिलते इंसान के है। तो मैंने प्रभु से एक भावना भाई थी कि अगर मेरी शादी होती है तो इस इंसान से होती हो, तो मुझे पूरा लाइफ अच्छा फील होगा। और वही हुआ। हालांकि ये मेरे भाव थे, हमारी शादी लव मैरिज नहीं है, लेकिन प्रभु को ये भाव स्वीकार हुए और हमारे गंगा शहर के ही रिद्धकरण जी वैद है जिन्होंने ये प्रस्ताव हमारे सामने रखा, और मैंने अपने पापा को अपनी स्वीकृति जताई कि ये इंसान मुझे पसंद है। तो इस तरह से हमारी ये जोड़ी बनी। तो चलिए वही गीत सुनते हैं जिस गीत से मैं प्रभावित हुई हूँ, वो गीत आज मैं सुनाऊंगी, ये मेरा साथ देंगे। बिल्कुल। चार दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है, चार दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है, भर ले जो भरना तुझे कोई ना अब साथ है, भर ले जो भरना तुझे कोई ना अब साथ है, करता रहा तन से ही प्यार, करता रहा तन से ही प्यार, छोड़ के जाना पड़े ये संसार, करता रहा तन से ही प्यार, छोड़ के जाना पड़े ये संसार, इस जग में नहीं है तेरा यार, कि छूटेगा दामन तेरा, मौत ना तेरे हाथ है, कि छूटेगा दामन तेरा, मौत ना तेरे हाथ है, चार दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है, विषयों में तू फंसता रहा, कांटों को फूल समझता रहा, विषयों में तू फंसता रहा, कांटों को फूल समझता रहा, पापों में तू तो उलझता रहा, पापों में तू तो उलझता रहा,
तू कहता सभी को मेरा झूठी तेरी बात है, तू कहता सभी को मेरा झूठी तेरी बात है। राजेश तू धर्म ध्यान कर कर, राजेश तू धर्म ध्यान कर, कर्मों का कचरा तू साफ कर, सकुन तू धर्म ध्यान कर, कर्मों का कचरा तू साफ कर, धर्म से ही अपनी झोली तू भर, कि जाएगा मुक्ति महल, धर्म तेरे साथ है, कि जाएगा मुक्ति महल, धर्म तेरे साथ है। चार दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है, भर ले जो भरना तुझे कोई ना अब साथ है। अशोक जी गोलचा, सुरेंद्र जी छाजे, सुमित जी नहटा, धर्मधनपत जी चोपड़ा, सभी को धन्यवाद जिनके भी कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आप सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि सूरज की किरणें आपकी शान बने और फूलों की कलियां आपकी मुस्कान बने, गमों से ना कोई हो रिश्ता आपका, सिर्फ खुशियां ही खुशियां हम आप सभी के मेहमान बने, यही हमारी शुभकामना है आप सभी के लिए। प्रीशा जी मालू बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल धनपत जी तो हमारे साथ है, सुमित जी नाहटा, सुरेंद्र जी चोड़िया, असो जी गोलेचा, बिल्कुल मंजू जी सेठिया जो हमारे बीच में बराबर निरंतर बने हुए हैं, हमारे भाभी जी जिनको बहुत धर्म से प्रेम है, बहुत ही सात्विक विचारों वाली हमारी भाभी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल दीपा जी दोस्त, आस पुराओ हम भक्तों की, आस पुराओ शरण पड़े हैं बाबा लाज बचाओ, शरण पड़े हैं बाबा लाज बचाओ, भरोसा तेरा है कुछ ना मेरा है, ये जग अंधेरा है दुखों का घेरा है, भरोसा तेरा है कुछ ना मेरा है, ये जग अंधेरा है दुखों का घेरा है, तू ही हाथ पकड़ कर बाबा राह दिखा देना, हमें राह दिखा देना, डूब रही गम के भंवर में, डूब रही हूँ गम के भंवर में, लाज बचाओ बाबा लाज बचाओ, शरण पड़े हैं बाबा दर्श दिराओ, तुम्हारी महिमा का पार नहीं पाया, ज्ञान और अज्ञान ने तुमको ही ध्याया, तुम्हारी महिमा का पार नहीं पाया, ज्ञान और अज्ञान ने
की ज्योति मुझ में जलाओ, गीत तुम्हारे गाओ बाबा, गीत तुम्हारे गाओ, जीवन मेरा सफल बनाओ, जीवन मेरा सफल बनाओ, लाज बचाओ बाबा, लाज बचाओ, शरण पड़े हैं प्रभु दर्श दिराओ, हम भक्तों की आश पुराओ, शरण पड़े हैं प्रभु लाज बचाओ, दर्श दिराओ प्रभु दर्श दिराओ। हमने अभी बाबा भूमिया बाबा को एक भावांजलि, उनको उनकी एक गीत जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है अभी हमने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अशोक जी, संजय जी, बिल्कुल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सुशीला जी मेहता, प्रभा जी सुराना, सुनीता जी धारीवाल, आप सभी का दिल से खूब खूब धन्यवाद जो भी हमारे इस भक्ति से जुड़े हैं। और एक मैं गीत लेता हूँ, उसके बाद एक माँ का गीत शकुन जी लेंगे, बिल्कुल वो जो हमारे धनपत भाई ने कहा एक पेरोडी, तो बिल्कुल एक माँ की सुंदर सी पेरोडी शकुन डागा लेंगे। उससे पहले मैं एक गीत जो स्पेशली आज मैंने हेलो आज स्पेशल मैंने अपनी बहना के लिए स्पेशल मैंने ये गीत जो बनाया है मैं आपको सामने रखने जा रहा हूँ। बिल्कुल हेलो 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 हाँ आवाज आ रही है ना हमारी? बिल्कुल, चलिए देखिए। एक वर्षा जो हमारी बहना है, जो हम उनके लिए हमेशा यही कहते थे कि भैया के सिर का ताज है बहना, भैया के सिर का ताज है बहना, और जीवन की सरगम का साज है बहना, बहना से ही खिला है ये घर आंगन, राजेश को आप पर नाज है बहना, राजेश को वर्षा पर नाज है बहना। और मैं अपनी बहना को हमेशा यही कहा करता था कि परियों से भी सुंदर है मेरी बहना, परियों से भी सुंदर है मेरी बहना, मुस्कान तेरी लाखों में एक है, बहना तो बहुत है इस दुनिया में, बहना तो बहुत है इस दुनिया में, मगर मेरी प्यारी वर्षा बहना जैसी लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों में एक है, ऐसी हमारी वर्षा बहना है जिनके लिए हम एक गीत गुनगुनाते हैं। हेलो हेलो आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है? हाँ हाँ हेलो हेलो देखिए मैं कहना चाहता हूँ वर्षा ना, हमें वर्षा को हम हमेशा क्या कहते थे आपको पता है? सुपरस्टार कहते थे, सुपरस्टार। रमेश जी जैन जो हमारे बिल्कुल जुड़ गए, हमारे रमेश जी जैन जो हमारे स्टार मेकर में हमारे जैनों का ग्रुप है, बिल्कुल रमेश जी जैन जानते हैं। स्वागत है रमेश भैया। रमेश भैया बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल रमेश जी जानते हैं कि स्टार मेकर में एक हमारा ग्रुप है और हमारे स्टार मेकर में ग्रुप में वर्षा जी बहुत समय से जुड़े हुए है, तो हम उस सुपरस्टार को एक हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सुपरस्टार तुमको कह देते हम, सुपरस्टार तुमको कह देते हम, गीत तुम्हारे सुनते थे हम, गीत तुम्हारे सुनते थे हम, बहुत याद आती हो बहना,
बहुत याद आती हो बहना, बहुत याद आती हो बहना, बहुत याद आती हो बहना। सुपरस्टार तुमको कहते थे हम, गीत तुम्हारे सुनते थे हम, बहुत याद आती हो हमको, बहुत याद करते हैं तुमको, बहुत याद करते हैं तुमको, बहुत याद करते हैं तुमको। हुई क्या खता जो दूरी दूर हमसे हो गई, हुई क्या खता जो दूर हमसे हो गई, आंसुओं की वर्षा आँखियों में दे गई, आंसुओं की वर्षा आँखियों में दे गई। सुना है आंगन सुनी है गलिया, सुना है आंगन सुनी है गलिया, मुरझा गई अब बागों की कलिया, मुरझा गई अब बागों की कलिया। बहुत याद आती हो बहना, बहुत याद आती हो बहना। बिल्कुल हमारी, हेलो मेरी आवाज आई, हमारी बहना बहुत याद आती है और हम अपनी बहना को बहुत मिस करते हैं। हर पल खुशियों का संसार रहे मेरी बहना, हमेशा हमें हमारे दिल में रहे या हमारी यादों में रहे हमारी बहना। तन रो पल रो भरोसो नहीं, तन रो पल रो भरोसो नहीं, तन रो क्यों ई तो इतरावे, क्यों दुष्कर्म कमावे, कद दिवलो बुझ जावे। ई तन रो हाँ पल रो भरोसो नहीं, ई तन रो भाया पल रो भरोसो नहीं, ई तन रो मीठो मीठो बोले घणो ग्राहकारे सामने, ग्राहकारे सामने उड़े, मीठो मीठो बोले घणो ग्राहकारे सामने, ग्राहकारे सामने ताकड़ी में तोले जाना भूल जावे, राम ने भूल जावे, राम ने भूल जावे, राम ने ताकड़ी में तोले जाना भूल जावे, राम ने भूल जावे, राम ने हो कलम ने क्यों तलवार बनावे। ई तन रो पल रो भरोसो नहीं, ई तन रो भाया पल रो भरोसो नहीं, ई तन रो क्यों ई तो इतरावे, क्यों दुष्कर्म कमावे, कद दिवलो बुझ जावे। ई तन रो हाँ पल रो भरोसो नहीं, ई तन रो दिन रात एक धुन भाग्यो भाग्यो फिरे है, भाग्यो भाग्यो फिरे है, दिन रात एक धुन भाग्यो भाग्यो फिरे है, भाग्यो भाग्यो फिरे है, उड़े है आकाश नदी सागरा ने तीरे है, सागरा ने तीरे है, हो पैसे रे खातिर धर्म गमावे। इतन रो पल रो भरोसो नहीं, इतन रो भाया पल रो भरोसो नहीं, इतन रो एक सांस आयो भाई दु
दूसरे रोके पतो, दूसरे रोके पतो, एक सांस आयो भाई, दूसरे रोके पतो, दूसरे रोके पतो, एक कोर खायो रे क्यों, दूसरे ने देख तो, दूसरे ने देख तो, हो सपना अधूरा ही रह जावे, इतन रो पल रो भरोसो नहीं, इतन रो भाया पल रो भरोसो नहीं, इतन रो मोजा उड़ावे लोग, पाप करे एकलो, पाप करे एकलो, मोजा उड़ावे लोग, पाप करे एकलो, पाप करे एकलो, कोई न बटावे हाथ, जांच कर देख लो, जांच कर देख लो, हो वाल्मीकि घटना साफ सुनावे, इतन रो हाँ पल रो भरोसो नहीं, इतन रो पल रो भरोसो नहीं, इतन रो पल रो भरोसो नहीं, इतन रो, क्यों इतो इतरावे, क्यों दुष्कर्म कमावे, कद दिवलो बुझ जावे, इतन रो पल रो भरोसो नहीं, इतन रो हाँ पल रो भरोसो नहीं, इतन रो। मनोज जी सुराना, सुनील जी पुगलिया, सभी का हृदय से स्वागत है। मेरी आप सभी से विनती है, प्यार भरा अनुरोध है, भक्ति को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अध्यात्म रस में सभी नहा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त आप सभी का अप्रिसिएशन और आप सभी का साथ मिल रहा है। सुशील जी पुगलिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मनोज जी सुराना, हमारे संजय जी सेठिया का फरमान आया है कि भूमिया बाबा का भजन होना चाहिए, तो भूमिया बाबा जो हम सभी के दिल में बसते हैं, बिल्कुल हमारे रोम रोम में बसते हैं, और जब हम शिखर जी जाते हैं तो भूमिया बाबा के दर्शन कर करके दिल खुश हो जाता है। और बिल्कुल हमें भी बहुत समय हो गया, हमारी भी बहुत इच्छा है कि हम भूमिया बाबा के दरबार में हाजिरी लगाए। बिल्कुल सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है हमारा भूमिया बाबा के चरण में, बने हम भूमिया बाबा के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाए हम श्रद्धा की फूल, आओ मिलकर चढ़ाए हम श्रद्धा की फूल, तो भूमिया बाबा की। ये तो बाबे का दरबार है, दर्शन मिले जो दिल से प्यार है, ये तो बाबे का दरबार है, दर्शन मिले जो दिल से प्यार है, शिखर गिरी के बाबा भूमिया, मधुबन रखवाले बाबा भूमिया, भक्तों के पालक बाबा भूमिया, ये है फलदायक बाबा भूमिया, मालिक का सेवक संसार है, सेवक के खातिर खोला द्वार है, मालिक का सेवक संसार है, सेवक के खातिर खोला द्वार है, ये तो बाबे का दरबार है, दर्शन मिले जो दिल से प्यार है, हाथों को जोड़े ही सब आते हैं, कोई ना कोई अर्जी लगाते हैं, हाथों को जोड़े सब आते हैं, कोई ना कोई अर्जी लगाते हैं, बाबे को मन से जो ध्याते हैं, कुछ ना कुछ वो तो पाते हैं, चाहो जो वो ही तैयार है, चाहत में शक्ति अपार है, हो चाहो जो वो ही तैयार है, चाहत
में शक्ति अपार है, ये तो ये तो ये तो बाबे का दरबार है, दर्शन मिले जो दिल से प्यार है, तिल सिंदूर चढ़ाते हैं, बरंगों से अंगिया रचाते हैं, फिर जो शीश नवाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, रूप पलटता हर बार है, रूप जो इनके हजार है, ये तो बाबे का दरबार है, दर्शन मिले जो दिल से प्यार है। बोलिए भूमिया बाबा की, बोलो मधुबन धाम की, प्रभु की भक्ति सबको नसीब नहीं होती, बिल्कुल प्रभु की भक्ति सबको नसीब नहीं होती, जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती, मगर मिल जाए जिसको मेरे प्रभु की शरण, उसकी जिंदगी कभी बदनसीब नहीं होती। भक्ति उसकी संपन्न करने का समय हो रहा है, तो मैं फटाफट जो हमारे धनपत भैया की रिक्वेस्ट आई है तो थोड़ा समय पर ध्यान दे रही हूँ। बिल्कुल क्योंकि देखिए अभी हमारे माँ के लिए उन्होंने पैरोडी का बोला है, तो मैं दो दो लाइन करके हम अपनी बिल्कुल देखिए माँ की पैरोडी है और ये हमारे एक्चुअली महावीर जयंती का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें हमें तैयारी करनी है, 10 बजे का टाइम था और 10 बज चुके हैं, फिर भी हम धनपत भैया की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक पैरोडी माँ के लिए। दुनिया में ममता की कीमत ना होती अगर माना होती, अगर माना होती, दुनिया में ममता की कीमत ना होती अगर माना होती, अगर माना होती, बच्चों के जीवन में खुशियाँ ना होती अगर माना होती, अगर माना होती, दुनिया में ममता की पहचान माँ है, माँ से ही पैदा ये सारा जहाँ है, मानव के जीवन की जलती न ज्योति अगर माना होती, अगर माना होती, दुनिया में ममता की कीमत न होती अगर माना होती, अगर माना होती। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो हम बच्चों की जान है, वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो हम बच्चों की जान है, दुनिया में सबसे ऊंचा माँ का स्थान है, मेरी माँ है वो, मेरी माँ है, मेरी माँ है वो, मेरी माँ है, रातों को छुप कर सोती अखियों को भर भर रोती, रातों को छुप कर सोती अखियों को भर भर रोती, माँ साथ बिताए पलों की यादें रह रह कर आती, मेरी माँ की मूरत ममता की पहचान है, मेरी माँ की मूरत ममता की पहचान है, मैं पूजूं जिसको वो मेरी भगवान है, मेरी माँ है।
मोहब्बत है, ये मेरा फेवरेट है। तू मेरी चाहत है, तू मेरी मोहब्बत है, ये जो इतनी शोहरत है मेरी माँ की बदौलत है, ये जो इतनी शोहरत है मेरी माँ की बदौलत है, मेरी माँ तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी माँ तू ही मेरा है संसार। अब किसके चेहरे में माँ तेरी झलक पाऊँ, अब किसके आंचल में दो घड़ी मैं सो जाऊं, अब किसके चेहरे में माँ तेरी झलक पाऊं, अब किसके आंचल में दो घड़ी मैं सो जाऊं, अब किसके लहजे में माँ जैसी नजाकत है, अब किसके सीने में माँ जैसी इनायत है, अब किसके लहजे में माँ जैसी नजाकत है, अब किसके सीने में माँ जैसी इनायत है, ये जो इतनी शोहरत है मेरी माँ की बदौलत है, मेरी माँ तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी माँ तू ही मेरा है संसार। दरिया से बड़ा है दिल तू माझी मैं तू साहिल, दरिया से बड़ा है कितने उपकार है माँ तेरे, ये बताना बड़ा मुश्किल, दरिया से बड़ा है दिल, खुद खुदा ने माँ को ही सर्व कर माँ का आशीष, हम होते हैं काबिल, पाकर माँ का आशीष हम होते हैं काबिल, कितने उपकार है माँ तेरे ये बताना बड़ा मुश्किल, दरिया से बड़ा है दिल। माँ और बेटी के बीच में एक रेशम की डोरी का संबंध होता है, जो टूटता है तो बड़ा दर्द होता है। रेशम की डोरी को पल भर में तोड़ दिया, रेशम की डोरी को पल भर में तोड़ दिया, ऐसी क्या हुई खता ममता से मुँह मोड़ लिया, ऐसी क्या हुई खता ममता से मुँह मोड़ लिया, पतझड़ में पसरा सावन सूना सूना है आंगन, रेशम की डोरी को पल भर में तोड़ दिया, जीवन के आईने में माँ तू मेरी डीपी है, जीवन के आईने में माँ तू मेरी डीपी
थी, तू ही मेरी शिल्पी है। मैं तो बस एक पत्थर थी, तू ही मेरी शिल्पी है। माँ के रूप में कुदरत ने तोहफा मुझे बेजोड़ दिया। माँ के रूप में कुदरत ने तोहफा मुझे बेजोड़ दिया। रेशम की डोरी को पल भर में तोड़ दिया, पल भर में तोड़ दिया, पल भर में तोड़ दिया। मेरे हिसाब से धनपत जी की फरमाइश मैं पूरी कर पा रही हूँ। बिल्कुल, क्या बात है, एक के बाद एक माँ की नगमे, माँ के गीत। जो शकुन राश्री जी, आपको थैंक यू सो मच। जो शकुन डागा की ये रचना इन्होंने गीत सुनाने का मुझे अवसर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे हमारे गौतम भैया की एक ख्वाहिश थी कि मतलब भाई बहन के लिए कुछ। मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाग में फूल खिलते रहे तो पत्ते भी, बाग में फूल खिलते रहेंगे, बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने पर पत्ते भी हिलते रहेंगे। रहेगी अगर ऊपर वाले की मेहरबानी मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, तो जैसे आज मिले हैं भक्ति में वैसे आगे भी हम मिलते रहेंगे। सॉरी मुझे जाना होगा क्योंकि मैंने कमिट किया हुआ है। तो बिल्कुल और बिल्कुल मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि शकुन अभी एक चंदन बाला का नाटक कर रहे हैं, मतलब महावीर जन्म कल्याणक पर चंदन बाला का एक बहुत ही भव्य नाटक, और भी बहुत कुछ हो रहा है हमारी सोसाइटी में। तो और चंदन बाला का मेन रोल शकुन निभा रही है। चंदन बाला का मेन जो रोल है, आप सभी जानते हैं चंदन बाला जो हमारे भगवान महावीर की परम शिष्या रही है हमारी। बिल्कुल चंदन बाला, मारे आंगणे आया मती जाओ महावीर, मारे मारे आंगणे आयो ड़ा मत जाओ महावीर, मारे आंगणे आयो ड़ा मत जाओ आसुड़ा ढलकावे मारी आखड़ल्या, हो आसुड़ा ढलकावे मारी आखड़ल्या। चंपा बिक गई मैं लुटियोड़ी पग बंधन बंधियोड़ा, चंपा बिक गई मैं लुटियोड़ी पग बंधन बंधियोड़ा, मारी कौन सोने ला दुनिया माय महावीर, मारी कौन सोने ला दुनिया माय आसुड़ा ढलकावे मारी आखड़ली। ये मेरा फेवरेट था इसलिए सुनाने पे मजबूर हो गई। संजय भैया आपको दिल से धन्यवाद, आप हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल संजय भाई, मैं आपके लिए बहुत मतलब बहुत प्रोत्साहित, मैं तो हाँ बिल्कुल संजय भैया, बहुत बढ़िया, आप बहुत ज़बरदस्त प्रोत्साहन देते हैं। मिलते तो बहुत लोग हैं जिंदगी की राहों में, मिलते तो बहुत लोग हैं जिंदगी की राहों में, मगर हर किसी में संजय भाई आप जैसी बात कहाँ होती है, मगर हर किसी में आप जैसी बात कहाँ होती है। और हमारी राजश्री जी भाभी जो हम सबको बहुत प्रोत्साहन करती है, मैं उनके लिए बस इतना ही कहता हूँ कि सबसे रखे स्नेह और सबसे रखी प्रीत हमारी राजश्री भाभी, आप आपकी इन्हीं अदाओं ने हम सबका दिल लिया जीत। और हमारे हमारे गौतम भैया, उनके लिए तो मैं यही कहता हूँ
कि जैसे चांद सितारों में एक है, जैसे चांद सितारों में एक है, वैसे हमारे गौतम भैया हजारों नहीं लाखों में एक है। बिल्कुल इनकी भक्ति, इनकी भावना और आप सबकी जो ये भावना है भक्ति की बहुत जबरदस्त है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे मूलचंद जी बेताला, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं। मूलचंद जी आप बहुत, आपके लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि इत्र से तो सभी अपना तन महका लेते हैं, इत्र से तो सभी अपना तन महका लेते हैं, मगर मूलचंद जी बेताला आपके तो किरदार से भी खुशबू आती है, आपके तो किरदार से भी खुशबू आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। देखिए अब मैं एक पैरोडी ले रहा हूँ मेरी बहना के लिए, माई डियर सिस्टर वर्षा के लिए मैं एक पैरोडी ले रहा हूँ जो मेरी रचना है, मैं उन्हें समर्पित करना चाहता हूं। मेरी बहना जैसी नहीं कोई बहना है, मेरी बहना जैसी नहीं कोई बहना है, सदा हंसती गाती मुस्कुराती बहना है। मेरी वर्षा बहना जैसी नहीं कोई बहना है, गीतों की गुंजन से गूंज उठाइए गगन, गीत तुम्हारे सुनकर सब हो जाए मगन, बहना के जीवन में आती रहे बहार, बहना ये प्यारी लगी गाए गाए गाए, बहना के लिए गाए लाए लाए लाए, खुशियाँ हजारों लाए। बिल्कुल मेरी बहना जैसी कोई बहना हो ही नहीं सकती। वर्ल्ड की बेस्ट बहना अगर है तो मेरी वर्षा बहना। बिल्कुल मैं तो देखिए है कहूँगा, क्योंकि वो आज भी हमारे मनों में, हमारे दिलों में, हमारे हमारे तन मन में राज करती है। आप आज भी वो हमारे बीच में है, महसूस करके देखिए दोस्तों, वर्षा आज भी हमारे साथ में है। मेरी बहना है ये सबसे अनमोल, बोले सभी से ये मीठे मीठे बोल, मेरी बहना है ये सबसे अनमोल, बोले सभी से ये मीठे मीठे बोल, खुशियाँ देती है वो देकर अपनी प्रीत, खुशियाँ देती है वो देकर अपनी प्रीत, दिल के दरवाजे दिए सबके लिए खोल, मेरी बहना है ये सबसे अनमोल, बोले सभी से ये मीठे मीठे बोल, बहना मेरी बहना, ओ बहना मेरी बहना। बिल्कुल फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में वर्षा बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है,
फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, राखी के दिन वो कैसे भूल सकते हैं। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा, ओ मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, ओ मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तू पास हो या दूर कहीं जाए, सारी उम्र तू यूं ही मुस्कुराए। तू पास हो या दूर कहीं जाए, सारी उम्र तू यूं ही मुस्कुराए। खुशियों के झूले में झूलो, खुशियों के झूले में झूलो, तेरा भैया तुझे झुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा, ओ मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हमारी बहना ये बड़ी ही प्यारी प्यारी है, हमारी वर्षा ये बड़ी ही प्यारी प्यारी है, कि मम्मी पापा की ये राज दुलारी है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरी बहना का साथ होता है। हमारी बहना ये गौतम भैया की बहना ये बड़ी ही प्यारी प्यारी है, कि लून करण जी की ये राज दुलारी है। खुशियों से ही भरा रहे तेरा दामन, हंसती रहे तू हर पल चाहे ये मन। खुशियों से ही भरा रहे तेरा दामन, हंसती रहे तू हर पल चाहे ये मन, कि नंबर वन है जो नंबर वन है जो वो बहना हमारी है, कि मम्मी पापा की, कि गौतम भैया की, कि राजश्री भाभी की, कि जैनी महिला ग्रुप की ये राज दुलारी है। बिल्कुल, जैन महिला ग्रुप की वो राज दुलारी है। जैसे मैंने कहा था कि मतलब खूबसूरत व्यक्तित्व गजब के थे संस्कार, खूबसूरत व्यक्तित्व गजब के थे संस्कार, खुश होते थे देखकर हम वर्षा, माय डियर सिस्टर वर्षा का मधुर व्यवहार। उनका मधुर व्यवहार आज भी याद आता है मेरे, उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। कितने प्यार से वो बोलती थी, भैया कैसे हो आप, भैया कैसे हो आप। उनकी वाणी में उनकी मधुरता घुलती थी और उनकी वाणी को सुनकर के हमारा दिल खुशी से झूम उठता था। तो बिल्कुल अब लास्ट में अंतिम बिल्कुल मैं मेरे गौतम भैया मैं अब ये वो गीत की एक कड़ी लेना चाहता हूँ जो मैं नहीं गा रहा हूँ, मेरे गौतम भैया गा रहे हैं। बिल्कुल वो बोल मेरे है, शब्द मेरे है, आवाज मेरी है, लेकिन भावना हमारे गौतम भैया की है। तो छोटा सा हल्का सा ये गीत हमारे गौतम भैया गा रहे हैं। आ लौट के आ, आ लौट के
लौट के आजा बहना, तुझे भैया बुलाते हैं। आ लौट के आजा बहना, तुझे भैया बुलाते हैं। मेरा मान ले ये कहना, मेरा मान ले ये कहना, तुझे भैया बुलाते हैं। आ लौट के आजा बहना, तुझे भैया बुलाते हैं। सुनी है दुनिया, सुना है आंगन, सुना है मन का हर कोना। सुनी है दुनिया, सुना है आंगन, सुना है मन का हर कोना। तेरे बिना अब दिल ये लगे ना, आता है मुझको बस रोना। तेरे बिना कैसे रहना, तेरे बिना कैसे रहना, तुझे भैया बुलाते हैं। आ लौट के आजा बहना, तुझे भैया बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा है आंगन, मेरा सुना पड़ा है आंगन, तुझे भैया बुलाते हैं। आ लौट के आजा बहना, तुझे भैया बुलाते हैं। हमें पता है जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, लेकिन क्या करे, हम तो इंसान है, हमारी तो वो बहना जिसे हम याद करते हैं सुबह शाम। वर्षा हमारी राजश्री भाभी कहती है कि ठीक 10 बजे सुबह जब उसका फोन आता था तो दिल खिल उठता था। आज भी जब 10-11 बजे फोन की घंटियां बजती है तो राजश्री भाभी कहती है बाईसा का फोन आया है, लगता है बाईसा का फोन आया है। कैसे ये इतना प्रेम, इतना स्नेह जो वर्षा ने हम सबके साथ जोड़ा है, उसे हम कभी भूल नहीं सकते। उनकी यादें हमारे जहन में रहेगी। और बस यही कहूंगा कि दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल से मिल पाता है जग में वर्षा जैसा इंसान। मुश्किल से मिल पाता है मेरी बहना जैसा इंसान। सॉरी, आपका बहुत टाइम ले लिया है, मैं क्या करूं। मेरी बहना के लिए मैं जितना गाऊं, जितना कहूं उतना कम है। वो बहुत अच्छी थी, बहुत इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, मैं बता नहीं सकता। आज भी उनकी हर बात दिल पर दस्तक देती है। दिल उदास है हमारा, दे आंसुओं की धारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। दिल उदास है हमारा, दे आंसुओं की धारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। रवि रश्मियों सी चमके स्वर्णिम सी वो सुरतिया, हर दिल में बस गई है वो मोहनी मूर्तिया। अखी याज बोलती सी, अखी याज बोलती सी, कहाँ होगा वो नजारा, क्यों कर लिया किनारा,
कर लिया किनारा। हाँ, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। हम सभी एक ही स्वर में बोलते हैं, कहते हैं प्रभु से क्यों क्यों कर लिया किनारा। बिल्कुल याद आती है, यादों के झरने हमारे दिल में बसते हैं। अब क्या कहूँ, बहुत बस लास्ट लास्ट एक गीत लेकर के वर्षा के लिए मैं जो बस इस भक्ति में संध्या को समाप्त करना चाहूंगा। वर्षा का एक फेवरेट गीत है जो मुझे बहुत पसंद आता है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। बिल्कुल उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। वो ऐसे गाती थी, ऐसे गुनगुनाती थी कि हम सुनते ही रह जाते थे, भक्त झूमने लग जाते थे। उनकी आवाज हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगी, अमर रहेगी, और उनकी आवाज हम कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल अंतिम भावना है मेरी बहना के लिए। मेरी बहना बड़ी अनमोल, तेरे मीठे मीठे बोल जुदा क्यों हो गई, मेरी बहना बड़ी अनमोल, तेरे मीठे मीठे बोल जुदा क्यों हो गई, जुदा क्यों हो गई, हम सब से लगा कर प्रीत सबका ही दिल लिया जीत, विदा क्यों हो गई, मेरी बहना बड़ी अनमोल, तेरे मीठे मीठे बोल जुदा क्यों हो गई, जुदा क्यों हो गई, अब यादों के झरने आँखों से बरसते हैं, दिल दर्द में है डूबा बस आंसू झरते हैं, यूं हम को रोता छोड़ जाने वो खोल समोर, जहाँ तुम चली गई मेरी बहना बड़ी अनमोल, तेरे मीठे मीठे बोल जुदा क्यों हो गई, जुदा क्यों हो गई, चिट्ठी न कोई संदेश कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहना जहाँ भी गई है वहाँ उन्हें शांति प्रदान करे, और उनकी दिव्य आत्मा धर्म आराधना करके
उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास करते हुए परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करें, हम देवाधिदेव प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहना की सभी मनोकामना पूर्ण हो और वो मोक्ष को प्राप्त हो, ये हमारी भावना है। हमने फरिश्ते तो बहुत देखे, मगर हमने तो फरिश्ते नहीं देखे कि वो कैसे होते होंगे। हमने तो फरिश्ते नहीं देखे कि वो कैसे होते होंगे, मगर वो होते भी होंगे तो हमारी वर्षा बहना जैसी होते होंगे। वो होते भी होंगे तो हमारी वर्षा बहना जैसी होते होंगे। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ कि आपका समय बहुत ले लिया है। मुझे पता है कि बहुत समय हो चुका है, लेकिन क्या करें, बहना के लिए इतना कुछ बोलने की इच्छा होती है। लेकिन अब हम हमारी भक्ति को यहाँ विराम देते हैं और अब हम बधाई गीत लेकर के, और मैं एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूँ। प्रभा जी सुनाना, हमारे धनपत जी चोड़ी चोपड़ा जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मूलचंद जी हमारे बेताला, चंदा जी बेताला, और अभय जी लोटा, नीलेश जी बोहरा, हमारी सरिता बहन, हमारे साले जी मधु श्याम सुखा जी और चंदा जी सिपानी, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। हमारे गौतम जी, हमारे राजश्री जी, हमारे मोना जी और जितने भी हमारे जैन महिला ग्रुप की हमारी सदस्य है दीपक जी झापक, सभी का मैं खूब खूब धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आज आप सभी ने हमें बहुत साथ दिया। और मैं देख पा रहा हूं कि सभी बहुत ऐसे हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं और अभी तक है। दोस्तों, ये आप सभी का प्रेम है, प्यार है और साथ है, यही साथ बनाए रखना। और आपको सभी को दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने हमें इतना एप्रिशिएट किया है। तो मेरा मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और अब एक भक्त अंतिम, हाँ देखिए दोस्तों, अब 14 तारीख को भगवान महावीर का जन्म महोत्सव है, तो मैं सभी से कहूँगा कि भगवान महावीर के जन्म महोत्सव को हम त्याग तपस्या में बनाएं। और देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि कल आप कोई बता सकता है कि कल हमारे जैन धर्म का एक पर्व प्रारंभ होने वाला है, और वो कौन सा पर्व है आप सभी को शायद पता होगा। पता है, चैत्र सुदी सातम है। कल चैत्र सुदी सातम के दिन नवपद ओली की आराधना प्रारंभ होती है, यानी मीना सुंदरी का रास रचा सुना जाता है। नवपद की आराधना, चैत्र नवपद की आराधना प्रारंभ होती है, तो हम सभी को आयंबिल करना है। बिल्कुल, यहाँ पर जो उपस्थित है, शायद कभी किसी ने आयंबिल किया हो तो जरूर बताए कि कभी हमने आयंबिल किया है। आयंबिल की तपस्या बहुत बड़ी महान होती है। कहते हैं कि लोहे के चब्बे चने चबाने जैसा होता है आयंबिल की ये तपस्या। अगर आपने कभी आयंबिल नहीं किया है तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री जी, हमारी भाभी जी है। आयंबिल की तपस्या जरूर करें। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक कम से कम 12 बार आयंबिल की ओली की है। ओली का मतलब होता है 9 दिन लगातार आयंबिल करना। ऐसे कल से ये आयंबिल की आराधना शुरू होगी और 9 दिन तक चलेगी। अगर आपकी शक्ति है तो बिल्कुल आयंबिल जरूर कीजिएगा। मैं भी करूँगा, आप भी करीजिएगा, क्योंकि तपस्या नहीं करोगे तो, अरे तपस्या नहीं करोगे तो फिर पछताओगे। तपस्या नहीं करोगे तो फिर पछताओगे। तपस्या नहीं करोगे तो फिर पछताओगे। खाली हाथ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तपस्या नहीं करोगे तो फिर पछताओगे। बिल्कुल, पछताना नहीं है, तपस्या करनी है, क्योंकि तपस्या से ही होती है कर्म निजरा। के सावनरी घटा सहने सुहानी सुहानी लागे, मनड़ा में तपस्या करनो रे भी भाव जागे, पण करा काई
पड़ करा कहीं पेट में तो चूहा दौड़े ई वास्ते खाउण में ही रेवा मैं तो सबसू आ गए। बिल्कुल खामने में नहीं रहना है, तपस्या में रहना है। एकमात्र तप ही ऐसा है जिससे कर्मों की निर्जरा होती है। 12 भेद है तपस्या की, तो तपस्या के कोई भी भेद को अपनाइए और कर्मों की निर्जरा कीजिए। ये मनुष्य भव मिला है ना, कर्मों की निर्जरा करने के लिए मिला है, तो इसलिए तपस्या कीजिए और कर्म। हाँ, अभय जी ने बताया, अभय जी लोडा, इन्होंने 3 आइम्बिल की ओली की है। बिल्कुल, हम अभय जी आपकी खूब खूब अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने 3 आइम्बिल की ओली की आराधना की है। तपस्या से होती है कर्म निर्जरा। बिल्कुल अजय बोत्रा हमारे दोस्त, बिल्कुल अजय हमारे बचपन का दोस्त है, तो इस दोस्ती के लिए एक लाइन हो जाए। अजय, हम दोनों ने साथ में स्टडी की है और आज हम दोनों जैन महिला ग्रुप की भक्ति करते हैं। अजय मेरा दोस्त जिसने 3 तारीख को भक्ति की है। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दमग तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दमग तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और दोस्तों, महावीर जन्म कल्याणक है, तो इसलिए एक बात कहूंगा, महावीर की है खुली दुकान, लेना हो जितना ले लेना, मौका मिला है ओ मानव तू त्याग से झोली भर लेना। महावीर की है खुली दुकान, लेना हो जितना ले लेना, मौका मिला है दोस्तों खाली नहीं जाना है। महावीर की दुकान खुली है और इस खुली दुकान में ले लीजिए जितना आपको लेना है, बटोर लीजिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। और बिल्कुल समझदार वही होता है जो मौके का फायदा उठाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सॉरी, अरे क्या करूं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो जाता है। चलिए, भरी महफिल में रंग जमाई है, प्रभु ने बधाई बधाई है, सब देवों ने बधाई है, सहनाई सुर नौपद बाजे, घनन घनन घन गाजे छे, प्रभु ने बधाई बधाई है, सब देवों ने बधाई है, इंद्र इंद्राणी मिन मंगल गावे, मोतियन चोक पुरावे छे, मोतियन चोक पुरावे छे, प्रभु ने बधाई बधाई है, सब देवों ने बधाई है, सेवक प्रभु जी से अर्ज करत है, अर्ज करत है जी, अर्ज करत है, चरणों री सेवा प्यारी लागे छे, प्रभु नी बधाई बधाई है, सब देवों ने बधाई है, भूल चूक सब माफ करी जो माने माफ करी जो, भव सागर से पार करी जो, बड़ी महफिल में रंग जमाई है, प्रभु ने बधाई बधाई है, सब देवों ने बधाई है, मोहनी मूरत थारी लागे गणी प्यारी, जैन महिला ग्रुप जावे बलिहारी, भड़ी महफिल में रंग जमाई है, प्रभु ने बधाई बधाई है, सब देवों ने बधाई है, आज के आनंद की बधाई है, सब देवों ने बधाई है।
चंदन केरी चोकिया भर मोतियन को हाल केसर भरियो बाटिको पूजो नेम कुमार निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप चिंता मणि पारसनाथ दादा पिता के हुकम से जैन धर्म बहुत फलेगा जैन धर्म की शान है महावीर हमारी जान है जैन धर्म की जय हो अहिंसा धर्म की दय हो भगवान महावीर की दो जय हो चोइस तीर्थंकर भगवान की जय हो पारसनाथ प्रभु की जय हो चारों दादा गुरुदेव की जय हो भूम्याजी महाराज की जय हो और हमारे हमारे सभी देवी देवताओं की देहो सभी की बहुत बहुत धन्यवाद रखे हमेशा हम उपयोग जय जिनेंद्र का प्रयोग करे प्रयोग रखे हमेशा हम उपयोग जय जिनेंद्र का करे प्रयोग और आज की इस भक्ति में हम दोनों के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की कोई अभिनय आसाधना हुई हो और कोई दोष लगा हो आपको कोई तकलीफ पहुंची हो या बोलने में गाने में कोई भी अशुद्धता हुई हो तो हम दोनों सभी अपन भाव से तस्मिच्छामि दुक्कड़म करते हैं आशा है आप हमें क्षमा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद और बस जाते जाते आप हमारे मंदिर का जरूर दर्शन कीजिएगा मैं आपको अभी बस लेके चलता हूँ मेरे गृह मंदिर में तो दोस्तों मेरे घर मंदिर का दर्शन करने के बाद हम चलेंगे बिल्कुल चलिए हम चलते हैं कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना हंसती बिल्कुल तो देखते हैं हमारा गृह मंदिर कैसा है आपको दिखाते हैं उसके बाद हम एंडिंग करेंगे गृह मंदिर देखेंगे ये देखिए दोस्तों ये भगवान महावीर है ऊपर सबसे पहले भगवान महावीर के देखिए ये है और उसके बाद देखिए ये हमारे पारसनाथ प्रभु है पारसनाथ भगवान है चिंतामणि पारसनाथ प्रभु के आपको दर्शन करा रहे हूं और उसके बाद देखिए ये हमारे दादा गुरुदेव है कुशल गुरुदेव की जय हो कुशल गुरुदेव है हमारे और उसके बाद देखिए ये हमारे इष्ट अधिष्ठायक देव भैरव जी महाराज हमारे जो इष्ट देव है ये हमारे भोम्या जी महाराज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे आदिनाथ प्रभु है और ये देखिए हमारे भगवान महावीर है जो हम सभी को रोशनी दे रहे हैं ये हमारा पूरा मंदिर है आप देख सकते हैं आगे से ये हमारा जैन हमारा मंदिर है यहाँ पर बैठ करके हम सामायिक आराधना आदि करते हैं और हमारे मंदिर का ये प्रवेश द्वार है जिसमें अष्टमंगल है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया गुड नाइट टेक केयर अब हम चलते हैं चंदन बाला के नाटक की ओर बहुत बहुत धन्यवाद 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 सबका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद खुश रहे हंसते रहे गाते रहे मुस्कुराते रहे और गुनगुनाते रहे बहुत बहुत धन्यवाद फिर से रस प्रसादित को याद करते हुए